ग्रस्त शहर में इन दिनों खुले में घूम रहे मवेशियों का आतंक बढ़ने से न सिर्फ राहगीरों में बल्कि व्यापारी वर्ग में भी रोष व्याप्त है। बाजार परिसर में कभी कांजी हाउस हुआ करता था, जो पालिका के बाजार विभाग और स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की लापरवाही से सालों पहले ही बंद हो चुका है। लेकिन कांजी हाउस के रखरखाव का खर्च हर साल नियमित तौर पर दिग्रस नगर पालिका के बजट में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं दिग्रस पालिका में जानवरों के नाम पर जारी गोरख धंधे को उजागर करती जुबैर खान की खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर की सड़कों पर बीते कुछ सालों से खुले में घूमने वाले मवेशी जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। खासतौर से बाजार लाइन और सब्जी मंडी में इन पालतू जानवरों के झुंड ने ग्राहक और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। बेलगाम घूमने वाले इन पालतू जानवरों की बदौलत किसी बड़ी दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता। इन जानवरों को सड़कों से हटाने का प्रबंध यूं तो दिग्रस नगर पालिका के बाजार विभाग और आरोग्य यानी स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन इन दोनों विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खुले में घूमने वाले जानवरों के लिए एक जमाने में कभी बाजार परिसर में कांजी हाउस हुआ करता था। कांजी हाउस याने पशु आश्रय स्थल, जिसे मराठी में कोंडवाड़ा और आम बोलचाल की भाषा में गधे घाट भी कहा जाता है, जो बीते कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। बावजूद इसके कांजी हाउस के रखरखाव का चारा पानी आदि का सभी खर्च और इसका ब्यौरा हर साल नियमित रूप से पालिका के बजट में शामिल किया जाता रहा है, जिस वजह से नगर पालिका का बाजार विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों सवालों के घेरे में है, क्योंकि बंद पड़े कांजी हाउस का ठेका केवल कागजों पर है और इस फर्जी ठेके को बेरोक टोक तरीके से चलाया जा रहा है। इसलिए इस गोरख धंधे में भारी भ्रष्टाचार की आशंका उत्पन्न हो रही है। बंद पड़े कांजी हाउस और खुले में घूमने वाले मवेशियों की समस्या से त्रस्त व्यापारी और ग्राहकों ने इनबीसीएन के समक्ष अपना रोष व्यक्त किया है। करीबन 5 साल से ये कोंडवाड़ा बंद है। किराना बाजार में जैसा भाजी बाजार है, वहाँ पर ढोरों की काफी समस्या है, बकरी है, गाय है, क्योंकि हमको लगता है कि करीबन 5 साल से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो प्रशासन जरूर जागरूक बने और व्यापारियों की समस्या का हल निकाले। खुले जानवरों का दिग्रस में इतना त्रास है, पूरे गांव के अंदर बाजार के अंदर सबसे ज़्यादा त्रास है और गांव में उससे भी ज़्यादा त्रास है। तो हमारी एक ही मांग है, संबंधित लोगों पे कार्रवाई करके उसकी चौकसी होकर वसूली होने होना और कोंडवाड़ा फिर से चालू करके लोगों को जानवरों के त्रास से राहत मिले। बहरहाल अब देखना होगा कि पालिका के प्रभारी मुख्याधिकारी सुधाकर राठौड़ बंद पड़े कांजी हाउस को दोबारा शुरू कर खुले में घूमने वाले मवेशियों से शहरवासियों को मुक्ति दिलाते हैं या नहीं। इसके अलावा कांजी हाउस के रखरखाव का खर्च पालिका के बजट में हर साल फर्जी तरीके से शामिल कर जानवरों के प्रबंध और उनकी देखरेख के नाम पर बरसों से भ्रष्टाचार कर रहे संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखना होगा। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।